हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, ये भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस चीज़ के ऊपर, तो अगर आप भी चाहते हैं मैं कार एसेसरीज या किसी कार प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर। तो आप कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ज़्यादातर गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी रहती है। अभी मेरी गाड़ी की हालत देख लो, मैं पहले आपको और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी रहती है, और रोड को भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कच्चा रोड है या मतलब धूल मिट्टी वाला रोड है, जो हमारी गाड़ी इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है और 2-3 दिन के अंदर ही इतना गंद इसके ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पर मैं गाड़ी की छत भी दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसके ऊपर धूल मिट्टी बैठी हुई है। और अगर ज़रा सी बूंदाबांदी हो जाती है तो और ज़्यादा गंदी लगने लगती है गाड़ी हमारी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैंने गाड़ी को जब वॉशिंग कराया तो 200 रुपये एक बार की वॉशिंग में लगते हैं, जिसमें कि वो अंदर से और बाहर से दोनों जगह से क्लीन कर देते हैं अच्छे से गाड़ी को। लेकिन अंदर से तो हमारी गाड़ी काफ़ी दिन तक क्लीन रहती है वॉश कराने के बाद, लेकिन बाहर से मुश्किल से 3 दिन से ज़्यादा गाड़ी नहीं चल पाती है जब ऐसे बाहर गाड़ी खड़ी रहती है खुले में। और फिर वो 200 रुपये मुझे कुलने लगते हैं कि यार, हमने इतनी अच्छे से गाड़ी को क्लीन कराया, वॉश कराया, ठीक है, और गाड़ी हमारी 3 दिन से ज़्यादा साफ नहीं रह पाती है बाहर से। और इंसान जब भी गाड़ी में आता है, स्टेयरिंग व्हील पे खड़ा होके यहाँ से हटने का नाम नहीं लेता, और ये जो स्टेयरिंग का कवर है इसको खाता रहता है। यहाँ पर ये पूरा स्टेयरिंग कवर इसने ख़राब कर दिया है, ये देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये सारे कट इसी के लगाए हुए हैं इंसान, ये देखो, ये जो ये उतार उतार के ऐसे ऐसे फेंक रहा है, ये स्टेयरिंग व्हील का कवर है जो ये काट काट के नीचे फेंकता रहता है। सारा कवर इसने ख़राब कर दिया है, अब इसको भी चेंज कराना पड़ेगा। और कुछ लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि भाई, आपने स्पोर्ट स्टेयरिंग जो लगाया था वो क्यों हटा दिया। स्पोर्ट स्टेयरिंग जो मैंने लगाया था वो मैंने अपने फ्रेंड को सेल कर दिया है, वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था, जितने का मुझे पड़ा था उससे ज़्यादा दे रहा था, तो मैंने उसको सेल कर दिया है। तो मैं तो कभी बाद में फिर लगा लूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो, बाकी मेरा स्टॉक स्टेयरिंग ही लगा हुआ है, अभी फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट जो कि मैंने अपनी कार के लिए मंगाया है, और ये इसी तरह की पैकिंग में आता है, अमेजोन से ज़्यादा कोई खास पैकिंग नहीं है। और दोस्तों, मैं इसकी कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर ये किंग्सवे कंपनी का है ये, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। तो मैं जल्दी से इसको यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ इस रैप से, और उसके बाद इसकी क्वालिटी और इसके प्राइस की बात करते हैं। और इसकी पन्नी ये काफ़ी आवाज़ कर रही है, तो मैं इसको निकाल कर एक तरफ रख देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये कुछ इस तरीके के कवर में मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हो, किंग्सवे कंपनी का ये कार बॉडी कवर है, ठीक है। तो पहली जो इसकी अच्छी बात मुझे लगी है वो ये कि हमारा इस कार बॉडी कवर के साथ एक कवर हमें दिया गया है, जिसमें हम इसको कभी भी फोल्ड करके और आराम से कहीं पर भी रख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का कवर हमें जीपर वाला मिल जाता है, तो मैं इसको भी साइड पे रख देता हूँ। और दोस्तों, मैंने इस कार बॉडी कवर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो लोग सेंट्रो वाले हैं वो डायरेक्ट जाकर लिंक पर क्लिक कर खरीद सकते हैं इसको। तो जैसे कि आपको पता है मेरी गाड़ी सेंट्रो है, तो मैंने ये सेंट्रो के लिए मंगाया है, और सभी गाड़ियों के अलग आते हैं कवर। अगर आप चाहो तो अमेजोन में डायरेक्टली सर्च करके भी अपनी कार के लिए कार बॉडी कवर को मंगा सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने लिंक दे दिया है, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके फैब्रिक की बात कर लेते हैं। तो इस कार बॉडी कवर का जो फैब्रिक दिया गया है, तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर फैब्रिक की मैं बात करूँ तो फैब्रिक काफ़ी अच्छा मिल जाता है हमें। और दोस्तों, ये डस्ट प्रूफ फैब्रिक है, और यूवी सनरेज से भी हमारी कार को ये प्रोटेक्ट करता है। और दोस्तों, ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये किंग्सवे कार बॉडी कवर, और जिस प्राइस रेंज में मुझे ये कार बॉडी कवर मिला है, तो काफ़ी अच्छा कार बॉडी कवर है ये। और इस कार बॉडी कवर का मैं प्राइस आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, पहले मैं आपको अपनी कार पे इसको लगाकर दिखा देता हूँ कैसी इसकी फिटिंग आती है, और क्या ये हमारी कार के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो जल्दी से मैं इसको अपनी कार पे लगा लेता हूँ, ठीक है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो आपको दिखाया था, यहाँ पर गाड़ी पे काफी डस्ट वगैरह बैठी हुई थी, तो मैंने अभी थोड़ा साफ कर लिया है गाड़ी को, ताकि मैं इस कार बॉडी कवर को लगा सकूं। तो
दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने अकेले ने ही इस कवर को कुछ ही मिनटों में गाड़ी के ऊपर लगा दिया है, यानी कि दूसरे की हेल्प लेने की हमें जरूरत नहीं है, हम अकेले ही इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों जैसे कभी तेज हवाएं चलने लगती है तो हमारी गाड़ी का कवर उड़के ना भाग जाए तेज हवा की वजह से, तो इसमें ये एक लंबी सी बेल्ट दी गई रहती है जिसकी मदद से हम अपनी गाड़ी में इसको कवर को बांध सकते हैं। इसको सिंपली इधर से दूसरी साइड फेंकना है और उधर इसका लॉक रहता है उसमें इसको लॉक कर देना है बस। और फ्रंट से देखने में कुछ ऐसा लुक आता है, यहाँ पर विंडशील्ड के ऊपर जो इसका बड़ा सा नेम ब्रांडिंग हमें मिल जाती है, किंग्स वे कार बॉडी कवर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, मैं अपनी कार को दीवार के साथ बिल्कुल चिपका के लगाता हूँ, तो इसमें भी मुझे दिक्कत नहीं आई है कि गाड़ी को हमें खुले स्पेस वाली जगह में खड़ी करके तभी इस कवर को लगाना रहेगा। और जो लोग इसको बांधना नहीं चाहते हैं, अगर आपकी गाड़ी घर में खड़ी है तो इसको ऐसे ही पड़े रहने देना, कार के नीचे डाल देना, ठीक है। और जिनकी गाड़ियां आउटडोर खड़ी रहती है तो वो क्या कर सकते हैं, अगर इसको बांधना नहीं चाहते हैं, इसको सिंपली क्या करना है, अपने डोर को खोलना है ऐसे थोड़ा सा, और इसको पकड़ के और गाड़ी के अंदर डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको, प्लास्टिक वाला जो बक्कल होता है उसको अंदर डाल देना है और इजिली हम अपने कार के डोर को बंद कर सकते हैं। बाकी कमेंट करके बताओ कैसा ये कार बॉडी कवर है और इसकी फिटिंग कैसी लग रही है। अभी मैंने ऐसे रफली इसको लगाया है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, बाकी मेरा जो ओपिनियन है इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा है 650 रुपये में, इसकी क्वालिटी भी और फैब्रिक भी और इसकी फिटिंग भी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये कार कवर कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।